व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आज से हम लोग एक क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर मैं आईपी और सीएस, मतलब आईपी की एक अलग सीरीज होगी और इस कंप्यूटर साइंस की एक अलग सीरीज होगी। इसके अंदर मैं आपको जितने भी पीवाईक्यूज है लास्ट 5 ईयर्स के, तो वो यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ। राइट, 5 ईयर के क्यों है, क्योंकि उससे पहले के आपको करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास में C++ और जावा थी। राइट, तो अगर हम 2019 के बाद की बात करें तो आप लोगों के पास आपको PYQs मिल जाएगा जिसमें पाइथन है आप लोगों के पास। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसी साल के क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर के साथ में, जो कि 2023 का अभी जो बच्चों ने पेपर लिखा है, 2022 के बाद उन्होंने 23 के अंदर अब जो पेपर दिया है, तो ये आईपी का पेपर है एंड इसी साल का हुआ पेपर। ठीक है, और चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हुए उतने ठीक है, एंड इसको हम कुछ कुछ हिस्सों के अंदर देखेंगे। जैसे इसके अंदर कितने पार्ट हैं आपके पास में, देखिए ए बी सी डी ई, ई पार्ट है ना आपके पास में, तो हम भी इसको ई पार्ट्स के अंदर ही है जो करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर ए पार्ट जिसको हम करते हैं, टोटल इसके अंदर 18 प्रश्न होंगे और 1-1 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए पार्ट ए के फर्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपोलॉजीज इज वेरी एफिशियंट फॉर ऑल नोड्स कनेक्टेड टू सेंट्रल हब। जब भी सेंट्रल हब की बात आती है ना, जब भी हम सेंट्रल हब की बात करते हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, हम लोग स्टार टॉपोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक हमारा बीच में हब है, उसके साथ हमने बाकी अपनी नोड्स हैं जिसको अटैच कर रखा है। ठीक है, तो ये जो टॉपोलॉजी यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म में आती है, दैट इज योर स्टार टॉपोलॉजी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। रमनदीप इज अ यंग वुमन विद ग्रेट एस्पिरेशन एंड हैज अ गुड टीम ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। शी अलोंग विद हर टीम मेंबर्स स्टार्टेड अ कंपनी टू सेल हैंडीक्राफ्ट्स ऑनलाइन एंड ऑल्सो डिजाइंड अ लोगो फॉर देयर कंपनी। वट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डज दिस लोगो रिप्रेजेंट। सीधा जैसे आपने लोगो को देखा, ज्यादा जो जनता है वो ट्रेडमार्क की तरफ जाएगी, जो कि एक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लेकिन क्योंकि तो इसमें पूरी जो केस स्टडी बेस्ड है कि भाई उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की, उसमें वो इस तरीके का जो है बिजनेस कर रही है कि भाई हैंडीक्राफ्ट है जिसको ऑनलाइन सेल कर रही है, है ना। तो ये जो पूरी कहानी है उसे ये भी है कि आपके पास ये कॉपीराइट के अंदर भी ये जो आता है, तो मेरे ख्याल से जिन्होंने कॉपीराइट या ट्रेडमार्क दोनों में से कुछ भी किया होगा तो उसको आंसर में जो है मतलब नंबर मिला होगा, तो सीधा इसका आंसर ट्रेडमार्क है। अगर आप कॉपीराइट भी करते हैं तो भी वो इसको सही आंसर मार्क करके मतलब आपको नंबर है जो मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर ऑब्जेक्शनेबल एंड डी मीनिंग कॉमेंट्स आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अबाउट अ पर्सन सच दैट ही और शी इज मेंटली हरास्ड। सो देखिए, अगर ऐसे कॉमेंट्स आते हैं, फिशिंग भी नहीं है, हैकिंग भी नहीं है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी नहीं है, तो ये साइबर बुलिंग के अंदर है जो आता है। ठीक है, ये एक ऐसा क्राइम है जो कि साइबर बुलिंग है। ठीक है, तो हमें ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हो रही है तो बिल्कुल हमें जो है किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए और इसके खिलाफ आवाज है जो उठानी चाहिए। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर है जी राउंड। अब राउंड के अंदर क्या चीज हो रही है कि राउंड में मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास में क्या होगा कि पॉजिटिव है पहले तो हम पॉइंट से इधर जाएंगे, तो ये आपके पास में है जी 45, है ना, तो इन दोनों को ले गया। अब इससे देखा कि इसके आगे कौन है, विच इज 6, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, 46 हो गया। ठीक है, तो 7876.46 कहाँ लिखा है, ए के अंदर, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आर आल्सो नोन एज, एग्रीगेट फंक्शंस को हम मल्टीपल रो फंक्शंस के नाम से भी है जो जानते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी लॉ इन इंडिया फॉर मैटर्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम इज, आपके पास में आईटी एक्ट 2000 है जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि रविशा हैज स्टोर्ड द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास इन माई एसक्यूएल टेबल, सजेस्ट अ सुइटेबल एसक्यूएल क्लॉज दैट शी शुड यूज टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए, आपको क्या करना है, क्लॉज बताना है यहाँ पर। ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए बताना है, तो सीधा सा आपका होगा कि आप ऑर्डर बाय का यूज करें।
जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर की बात करी हो तो आप ऑर्डर बाय लगाएंगे, और ऑर्डर बाय आएगा आपका सबसे एंड में, ठीक है? टू रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम डेटा वैल्यूज इन अ कॉलम ऑफ माई एसक्यूएल टेबल, लीडिंग ट्रेलिंग लेफ्ट राइट दोनों वैल्यूज रिमूव करने, तो ट्रिम का यूज है जो आप करेंगे। अगर मान लीजिए लीडिंग लीडिंग होता तो एल ट्रिम करते, ट्रेलिंग होता तो आप आर ट्रिम कर रहे होते, ठीक है? अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग द इन एसटीआर रिटर्न्स, तो उस केस में आपको ये क्या करता है, आंसर जीरो आंसर रिटर्न कर देता है, क्योंकि अगर आप इन एसटीआर के अंदर एक ऐसे सब स्ट्रिंग को डाल चुके हैं जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, अगर वो मिल गया तो ये उसकी इंडेक्स पोजिशन आपको बता देगा, ठीक है? एसक्यूएल के अंदर इंडेक्स पोजिशन 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होती, और अगर मान लीजिए वो मौजूद नहीं है उस केस में आपको 0 है जो रिटर्न करता है। अब देखिए आपने क्या किया, इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ठीक है? आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया सीरीज, अब आपने एक लिस्ट को पास कर दिया, ठीक है? इसकी जगह मान लीजिए कुछ डेटा आपके पास में, तो क्या है 0 0 0, तो आपके पास में इंडेक्स विल बी 0 1 2 3, ठीक है? तो यार आंसर विल बी जहां पर भी ये लिखा है, सो सी है तो सी आपका, या थर्ड जिसको भी आप कहेंगे। Which of the following is a two-dimensional labeled data structure of Python? Two-dimensional, 2D. तो data frame के अंदर होता है rows and columns. ठीक है, series के अंदर आपके पास सिर्फ row होती हैं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आपका answer is B here. यानी कि two answer है. To compare data values of commission earned by salesman over a year. Which of the following type of graph? आप इसमें लाइन ग्राफ का यूज कर सकते हैं, आप इसमें स्कैटर का, बार का, इन तीनों ग्राफ का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से अगर आप इन तीनों में से किसी को भी आंसर करके आएंगे तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे में कंपैरेटिव, अगर कंपैरिजन करना है तो सारे ही सही है, उसी के लिए तो हम ग्राफ बना रहे होते हैं, है ना? लेकिन अगर ज्यादा सही कहेंगे तो ठीक है, ये दोनों आपके ओके हैं, लेकिन स्कैटर भी अगर मुझे कंपैरिजन करना 2 साल के बीच में तो दैट इज ओके फाइन, अगर लाइन और बार की बात आती है तो आपका आंसर मेरे ख्याल से तीनों में से कुछ भी हो सकता है, 1, 3 and 4 के अंदर से, ठीक है? आगे चलते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, आईपी के अंदर ये क्वेश्चन गारंटेड आता है, ठीक है? वेब ब्राउजर वाला, फॉलोइंग के अंदर से वेब ब्राउजर चूज कर दो, कभी कहेगा नॉट, कभी कहेगा यस, एंड आपके पास में देखिए नॉट अ वेब ब्राउजर, तो आपके पास देखिए लिनक्स आपका आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि ओपेरा, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर। लिनक्स आपके पास में नहीं है तो योर आंसर इज सी हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन ऑफ माई एसक्यूएल, बिल्कुल ये वही मतलब है, एक तरीके से ऐसे है कि शायद मैं बोलती जा रही थी और वो पेपर लिखते जा रहे थे, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास के अंदर हजारों बार रिपीट कर रखे, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये जरूर आएगा पेपर के अंदर। नॉट वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, तुम्हारे पास 6 एग्रीगेट फंक्शन सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, बता चुकी हूँ आपके पास, काउंट, काउंट स्टार, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, ठीक है? तो अब मैंने किसका नाम नहीं लिया, मैंने इसका नाम नहीं लिया है, तो दिस इज, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? लैन वैसे भी पाइथन में यूज होता है, ठीक है? डिजिटल फुटप्रिंट्स अनइंटेंशनली, दो तरीके के होते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, ठीक है? जिसमें अटेंशन है तो वो एक्टिव है, ठीक है? अनइंटेंशनली यानी कि पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट की बात हो रही है, ठीक है? ई वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ आर एनवायरमेंट इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड फॉर डिस्पोज्ड ऑफ। Some of the feasible methods of e-waste management are reduce, dash and recycle. तो देखो reduce भी आ गया, recycle भी आ गया, तो आपके पास में reuse नहीं था, तो answer is reuse here, है ना? अब 17 और 18 जो दो number question है वो आपके पास assertion और reasoning के आते हैं। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो, इस question को करने का बड़ा एक वो रहता है कि मतलब कैसे करना है, काफी बच्चे इसको गलत करते हैं। आपको कुछ नहीं, आप reason मत पढ़ो, पहले आप इसको पढ़ो और उसके बेसिस पर जजमेंट करो कि दिस असर्शन इज राइट और रॉन्ग। अ स्टैटिक वेब पेज डज नॉट चेंज फॉर ईच पर्सन विजिटिंग द वेब पेज, अ स्टैटिक वेब पेज डज नॉट चेंज फॉर ईच पर्सन विजिटिंग द वेब पेज, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि स्टैटिक इज स्टैटिक, चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इस बात को कितना दूसरी बात है जो मतलब रिलेट कर रही है, कभी कभी होता है कि ये भी बात है जो सही होगी लेकिन वो आपस में रिलेट ही नहीं करती है, तो रीजन क्या ये बनता है क्या इसका?
When a web server receives a request for dynamic web page, it locates and updates the page and sends it to the ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट. देखिए इसमें उसने स्टैटिक के बारे में बताया, इसने उसने उसमें डायनामिक वेब पेज के बारे में बताया. दोनों बातें ओके हैं, बट दोनों बातें जैसे रीजन नहीं बन रहा है ना फर्स्ट वाले का. तो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो आपका आंसर बनना चाहिए दैट इज कि दोनों लाइनें करेक्ट हैं बट बोथ आर नॉट, एक दूसरे का रीजन नहीं बनती है. ठीक है, तो आपका मेरे ख्याल से इसका आंसर है जो ये आना चाहिए दैट इज टू. ठीक है, ओके, मतलब बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर आप कह दो कि रीजन नहीं है. अजर्शन, पहला देखते हैं. द आउटपुट ऑफ एडिशन ऑफ टू सीरीज विल बी नैन इफ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ और बोथ द एलिमेंट्स हैव नो वैल्यूज. ठीक है, आप अगर दो सीरीज को आपस में जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, माइनस कुछ भी आप मल्टीप्लाई वट एवर यू आर डूइंग, तो आपको ये चीज पता है कि इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स अगर सेम है तभी वो जुड़ेगी या घटेगी. इधर वाली सीरीज का इधर वाली सीरीज का सेम इंडेक्स है तभी वो मल्टीप्लाई या जो भी होगा, नहीं तो नैन आ जाएगा. ये बात बिल्कुल सही है. लेकिन अब सेकंड कहते हैं कि वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन अ सीरीज बाय डिफॉल्ट ऑल मिसिंग वैल्यूज आर फिल्ड इन विद जीरो. नहीं, आपके पास में ये बात बिल्कुल गलत बोली है. ऐसा नहीं होता है कि आपके पास में जीरो से फिल हो जाती है, वो नैन आता है. तो इसमें आपका आंसर होगा थ्री, क्योंकि ए इज करेक्ट बट बी यानी कि रीजन इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो ये ए पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है. अगली क्लास में मैं आपको पार्ट बी है जो इसी पेपर का कराने वाली हूँ. तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच एंड यस, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को. ठीक है, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में जिसमें बी पार्ट करा रही होंगे. बाय बाय.